हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं हेनरी फेयर एडमिनिस्ट्रेटिव थियोरी ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। आप सबको मालूम होगा मैनेजमेंट जो है एक ऐसी चीज है जो हर किसी के लाइफ में, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, मिडिल एज हो, मैनेजमेंट के बिना आपकी लाइफ हो या आपका बिजनेस हो नहीं चल सकता है। और इस मैनेजमेंट को अच्छे से समझने के लिए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसे 14 प्रिंसिपल्स, या आप बोल सकते हो एक ऐसे 14 पॉइंट्स जो कि जिनको बनाया है हेनरी फेयर ने, लेकिन वो इतने बिजनेस के लिए, हमारे मैनेजमेंट के लिए, चाहे आपका बिजनेस छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, या कोई एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी चलाते हो, हर एक बिजनेस, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए समझ जाओ कि ये बहुत ही बड़ा मेडिसिन का काम करता है। जैसे अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो लोग दवाई ढूंढते हैं, वैसे अगर आपको अपना बिजनेस सेटअप करना है या फिर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस एक अच्छा ग्रो हो, तो आपको इन 14 प्रिंसिपल्स को, इन 14 पॉइंट्स को मानना ही पड़ेगा। हेनरी फेयर जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, या जिन्होंने ये 14 पॉइंट्स लिखे हुए, इन्होंने अपना करियर 1841 में स्टार्ट किया था। एज बाय प्रोफेशन ये एक इंजीनियर थे, साइंस के स्टूडेंट थे, इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और फ्रांस में एक फ्रेंच कंपनी में माइनिंग डायरेक्टर भी बन चुके थे। उसके बाद ये उसी कंपनी में सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने माइनिंग के। लेकिन कुछ साल काम करने के बाद इनको ऐसा लगा कि नहीं, अब मेरे पास इतना नॉलेज हो गया है, मेरे पास इतनी सेविंग्स, इतना पैसा हो गया है कि मुझे अब खुद का बिजनेस चालू करना चाहिए। तो इसलिए इन्होंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करने की सोची। अब बाय प्रोफेशन साइंस साइड के थे तो इनको मैनेजमेंट के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन हाँ, अपने एक्सपीरियंस, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से इन्होंने कुछ रूल्स बनाए। वो रूल्स ऐसे रूल्स थे जो आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए काम में आ सकते हैं। स्टार्टिंग में तो इनका साथ या फिर इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया गया, लेकिन एक कंपनी, एक फ्रेंच की एक माइनिंग कंपनी थी जिन्होंने इन पे भरोसा दिखाया और उन्होंने ये 14 प्रिंसिपल्स हेनरी फेयर के बनाए हुए उनको यूज किया, और देखते ही देखते विद इन 1 ईयर उनका बिजनेस, उनकी कंपनी जो थी वो ग्रैंड टर्नओवर पे चली गई। और उसके बाद से हेनरी फेयर के प्रिंसिपल्स पूरे वर्ल्ड में, पूरे कंट्री में, बिजनेस में, मैनेजमेंट में अप्लाई होने लगे। इसीलिए हेनरी फेयर को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है। हेनरी फेयर इज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, और इन्होंने ये 14 प्रिंसिपल्स के लिए एक बुक लिखी है। उस बुक का नाम है जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो स्टूडेंट्स, इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, और उन्होंने ये 14 पॉइंट्स को बहुत ही परफेक्टली, अगर देखा जाए तो एक एक डेढ़ डेढ़ पेज में समझाया है, जिससे कि कोई भी बिजनेस न्यू पर्सन हो या फिर बिजनेस में लॉस मेकिंग वाला पर्सन हो, जो भी कोई इस 14 प्रिंसिपल्स को मानेगा, उसको अप्लाई करेगा, उसका बिजनेस कभी नहीं फेल होना है। स्टूडेंट्स, इसीलिए इनको फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है। आज हम इन्हीं के ऊपर बात करेंगे, हेनरी फेयर एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी ऑफ मैनेजमेंट। ये कैसी थियरी है जिसके अंदर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बताया गया है। देखने में बहुत ही सिंपल है, लेकिन अप्लाई करने में थोड़ा सा मुश्किल, अगर आप एकदम कॉन्सेंट्रेटली और स्लो एंड स्टडी वाला रूल अप्लाई करोगे तो आप ये 14 प्रिंसिपल्स अपने बिजनेस में अप्लाई भी कर लोगे और आपका बिजनेस जो है डे बाय डे ग्रो भी करेगा। स्टूडेंट्स, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में जो पहला प्रिंसिपल है जो हेनरी फेयर ने पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को बताया, वो था डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है? काम को बांटना।
ठीक है, इन्होंने पहले यही देखा कि हर इंसान हर काम नहीं कर पाता है। अगर एक इंसान को हम 10 काम देंगे तो शायद वो 5, 6, 7, 8, 9 काम में अच्छा हो, शायद एक काम में बुरा होने की वजह से या बहुत ज्यादा थक जाने की वजह से वो शायद वो पूरा काम ना कर पाए। इसलिए पहला पॉइंट, पहला प्रिंसिपल जो इन्होंने लिखा वो था डिविजन ऑफ वर्क। डिविजन ऑफ वर्क में क्या होता है, आपको अपने कैपेबिलिटीज, अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वर्क डिवाइड करने दिया जाता है कंपनी में। वर्क डिवाइड करने से होता क्या है, आपके ऊपर प्रेशर भी कम पड़े रहता है और जैसे आपकी क्वालिटी, जैसा आपका एक्सपीरियंस है वैसे काम करने से कंपनी को भी रिजल्ट अच्छा मिलता है, कंपनी का प्रोडक्टिविटी भी अच्छा बढ़ता है। डिविजन ऑफ वर्क स्टूडेंट, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। ये तो बिजनेस की बात हम लोग कर रहे हैं, आपको मालूम है इस संसार, इस दुनिया को चलाने वाले 3 भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, आपने देखा होगा। ऐसा नहीं है कि किसी एक को भी अगर ये दुनिया दी होती संभालने के लिए तो वो आराम से संभाल लेता, लेकिन फिर भी उसके बाद भी भगवानों ने भी डिविजन ऑफ वर्क, काम को डिवाइड किया गया है। ब्रह्मा जी जो कि रचयिता है, जो कि रचने का काम करते हैं, नसीब बनाने का काम करते हैं, शंकर भगवान जो विनाश, ठीक है, जीवन मृत्यु के बारे में देखते हैं, और विष्णु भगवान जो कि हमारे पूरी दुनिया के मैनेजर हैं, सबको मैनेज करके चलते हैं। तो सोचो जब भगवानों ने भी डिविजन ऑफ वर्क का पालन कर दिया तो एक बिजनेस को बनाने के लिए डिविजन ऑफ वर्क अगर नहीं होगा तो वो बिजनेस कैसे काम करेगा। तो स्टूडेंट डिविजन ऑफ वर्क, शायद हेनरी फ्योल ने यही सोच के डिविजन ऑफ वर्क को सबसे पहला प्रिंसिपल बनाया है कि सबसे पहले आप वर्क को डिवाइड करो, उसके बाद ही आप सक्सेसफुल बन पाओ। स्टूडेंट्स आ जाते हैं अब हम दूसरे पॉइंट पे, हेनरी फ्योल के अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी अधिकार, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी। जब किसी इंसान को अधिकार मिलेगा, ठीक है, अधिकार मिलने के साथ साथ उसे एक जिम्मेदारी मिलेगी, तब वो कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड काम करके दिखाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे स्टूडेंट, जैसे कोई क्रिकेट टीम है, अब उसमें कैप्टन बना दिया गया है, तो कैप्टन को मिल जाती है अथॉरिटी, एक अधिकार, एक ऐसा अधिकार जिससे आपको ये काम करके देना है, आपको ये रिजल्ट निकाल के देना है, और उसी के साथ आ जाती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जब अधिकार मिलेगा तो आप जिम्मेदारी से वो काम करोगे, और जब आप जिम्मेदारी से काम करोगे तो चाहे बिजनेस हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और साथ ही साथ आप भी आगे सक्सेसफुल होंगे। स्टूडेंट्स आ जाते हैं अब हम तीसरे प्रिंसिपल पे, हेनरी फ्योल के, जो है प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन स्टूडेंट हम सब जानते हैं कि हर एक चीज इस दुनिया में, जितनी भी चीज है चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, हर चीज एक डिसिप्लिन से चलती है। वैसे ही अगर आप एम्प्लॉय हो, आप स्टूडेंट हो, आप एक नॉर्मल पर्सन हो, तो भी आपको जो एक नॉर्मल लाइफ का डिसिप्लिन है वो फॉलो करना पड़ता है। हेनरी फ्योल ने ये बताया है कि हम जिस भी बिजनेस, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, हमें उस बिजनेस, उस ऑर्गेनाइजेशन, उस कंपनी का जो भी रूल्स, रेगुलेशन, जो भी उनके डिसिप्लिन है वो हमें ओबे करना चाहिए। हमें कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि हम जिस भी बिजनेस में या जिस भी कंपनी में काम करते हैं उनके रूल्स को अपोज करें, माने उनके विरुद्ध जाएं। नहीं, हम जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं हमें उसके डिसिप्लिन को ओबे करने आना चाहिए। स्टूडेंट्स एग्जाम्पल के तौर पे, हर एक चीज बिना डिसिप्लिन के नहीं चल सकती, चाहे वो लाइट हो, फैन हो, जब तक आप बटन नहीं दबाओगे तब तक वो चालू नहीं होगा। सन, सूरज को ही ले लो, चाहे कुछ भी हो जाए वो अपने टाइम पे ही उगेगा और अपने टाइम पे ही अस्त होगा, सनराइज एंड सनसेट। तो डिसिप्लिन, हर एक चीज का एक डिसिप्लिन बनाया गया है। वैसे ही हर ऑर्गेनाइजेशन, हर बिजनेस फॉर्म का एक डिसिप्लिन होता है। हमें क्या करना है, एज एन एम्प्लॉय हमें उसके डिसिप्लिन को ओबे करके उनके साथ चलना है। तो क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है और सब लोग क्या करते हैं, सिर्फ प्रोडक्टिविटी पे ध्यान देते हैं। अगर आप डिसिप्लिन ओबे नहीं करके अपना खुद का डिसिप्लिन बनाने रखते हो तो उसमें क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा।
प्रॉपरली मैनेजमेंट का एम्प्लॉयज का साथ नहीं बनेगा और उससे प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी में भी प्रॉब्लम हो सकता है। स्टूडेंट्स, तीसरा पॉइंट डिसिप्लिन के बाद आ जाते हैं हम प्रिंसिपल के फोर्थ पॉइंट पे। इसका नाम है यूनिटी ऑफ कमांड। कमांड मींस ऑर्डर देना। स्टूडेंट्स, हम सब जानते हैं कि बिजनेस फॉर्म है, इसमें जो बॉस होता है वही मेन होता है। अगर आपका बिजनेस छोटा है, ठीक है, आपका बॉस से इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज जिनके बहुत सारे ब्रांचेस वगैरह हैं, तो मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई, इसमें क्या होता है, आप हर बात के लिए बॉस से इंटरेक्शन नहीं कर सकते। बट ये होता है, हेनरी फ्योल ने इस चीज को समझा, और हेनरी फ्योल ने ये समझाया कि कभी भी कमांड में एक यूनिटी होनी चाहिए, किसी एक पर्सन की ही बात सुनी जानी चाहिए। क्या होता है, अगर एक ही काम को दो या तीन अलग अलग लोग समझाने लगेंगे तो लोग जिनको वो समझा रहे हैं वो प्रॉपरली समझ नहीं पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे, और फिर जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आ पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर स्टूडेंट, यूनिटी ऑफ कमांड, यहाँ पे देखिए दो एग्जाम्पल दिए गए। सपोज यहाँ पे एक बॉस है या एक मैनेजर बोलो, और यहाँ उसके एम्प्लॉइज है, ठीक है। अब ये एक बॉस या एक मैनेजर तीनों एम्प्लॉइज को कमांड दे रहा है, ठीक है। एक ही मैनेजर या एक ही बॉस जो है वो एम्प्लॉइज को समझा रहा है कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है और आपको क्या करना है, और एम्प्लॉइज भी इस बॉस या इस मैनेजर की बात को अच्छे से समझ रहे हैं। उन्हें जो भी कुछ डाउट आ रहा है एक ही पर्सन से पूछ रहे हैं, जो भी कोई क्वेश्चन आ रहा है एक ही पर्सन दे रहा है, ठीक है। तो ये काम में क्या हो जाएगा, रिजल्ट ओरिएंटेड। यहाँ पे कंफ्यूजन कम है, एक पर्सन को बोलना है, दूसरे पर्सन को कुछ डाउट है उसी पर्सन से पूछना है, सारे लोग उसी पर्सन के पास आ रहे हैं। अब आप अगर दूसरा एग्जांपल देखेंगे तो यहाँ पे दो बॉस या बोल सकते हो दो मैनेजर है, बट दो बॉस या दो मैनेजर अगर अलग अलग ब्रांच को अपने संभाले तो ठीक है, लेकिन अगर दो बॉस या दो मैनेजर एक ही ब्रांच को एक ही एम्प्लॉइज को संभाल रहे हैं तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर एक ब्रांच मुंबई में है, दूसरा गुजरात में है, ये बॉस मैनेजर यहाँ के हैं, ये वहां के, तो चल जाएगा। लेकिन अगर एक ही एम्प्लॉइज को दो अलग अलग लोग संभालेंगे, अब यहाँ पे एम्प्लॉइज भी तीन ही है, ऐसे ऐसे ऊपर लिए थे, बट आप देख रहे हो कमांड, यहाँ पे ये बॉस या मैनेजर है जो कमांड दे रहा है, बट यहाँ पे इनकी भी बात आ रही है, तो इसकी बात माने या इसकी बात माने, अब यहाँ पे एम्प्लॉइज कंफ्यूज है। अब अगर कुछ आंसरिंग या कुछ क्वेश्चन या कुछ डाउट आता है तो इससे पूछा तो इसने अलग आंसर बता दिया, इनसे पूछा इसने अलग आंसर बता दिया, अब अप्लाई किसका करें आंसर और रिजल्ट कैसे लिखे। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये एम्प्लॉय को ये भी कमांड दे रहा है और ये भी कमांड दे रहा है, यहाँ पे भी थर्ड में भी एज इट इज। अब इससे होगा क्या, एक ही जैसे एम्प्लॉयज, एक ही ब्रांच, एक ही एम्प्लॉयज को दो अलग अलग लोग कमांड दे रहे हैं, उससे एम्प्लॉयज का कंफ्यूजन बढ़ता है, रिजल्ट नहीं आ पाता है जो रिजल्ट आपको चाहिए, ठीक है। इसीलिए हेनरी फ्योल ने बोला यूनिटी ऑफ कमांड कभी भी एक पर्सन का होना चाहिए, तो उससे कंफ्यूजन भी कम होता है और प्रोडक्टिविटी भी प्रॉपर होती है। दो पर्सन का कमांड होगा तो कंफ्यूजन भी ज्यादा होगा और प्रोडक्टिविटी भी प्रॉपरली नहीं आएगी, ठीक है। इस वजह से यूनिटी ऑफ कमांड वन पर्सन का होना चाहिए। स्टूडेंट्स, यूनिटी ऑफ कमांड के बाद आ जाते हैं हम लोग हेनरी फ्योल के फिफ्थ प्रिंसिपल पे, जो है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब होता है कि वन हेड वन प्लान। कभी भी डायरेक्शन देने वाला, जैसे कि मैंने आपको कमांड के लिए बताया कि एक ही पर्सन का कमांड अगर सबको मिले, ठीक है, तो उससे कंफ्यूजन कम होता है और रिजल्ट प्रॉपरली आता है, वैसे ही यहाँ पे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब वन हेड वन प्लान। कभी भी जो हमें डायरेक्शन देने वाला पर्सन है वो एक ही पर्सन होना चाहिए, और जो प्लान आप बनाते हो वो एक ही पर्सन बनाना चाहिए। अगर चार अलग अलग लोग, सपोज अगर आपको गांव जाना है या आपको कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, अब उसके लिए चार अलग अलग लोग प्लान बना रहे हैं, तो उसमें होगा क्या, वो चीज हो ही नहीं पाएगी। एक पर्सन बोलेगा कि नहीं मेरे हिसाब से ये चीजें होनी चाहिए,
मैं ऐसा डायरेक्शन देता हूं, एक पर्सन डायरेक्शन देगा, नहीं तुम ये डायरेक्शन मत दो, ऐसे ऐसे करो तो होगा, एक पर्सन बोलेगा ऐसे डायरेक्शन देगा, तो इससे क्या होगा, सबका डायरेक्शन जो है कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और जो चीज होनी चाहिए वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगी। इसलिए हेनरी फेयोल ने बोला है अपने फिफ्थ पॉइंट में, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन देने वाला, डायरेक्ट करने वाला एक ही पर्सन होना चाहिए। आपने अगर गौर किया होगा, एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे हर फिल्म में प्रोड्यूसर्स दो तीन देखे होंगे, एक्टर्स देखे होंगे, सिंगर्स देखे होंगे, वैसे आपने हर एक चीज, हर एक कैरेक्टर को एक या दो या तीन ऐसे देखा होगा। मेकअप आर्टिस्ट कितने सारे होते हैं, बट डायरेक्टर सिर्फ एक होता है। क्यों? अगर डायरेक्टर दो तीन हो जाए एक पिक्चर में तो वो पिक्चर बन ही नहीं पाएगी, वो पिक्चर आपसी झगड़े में फंस जाएगी। इसीलिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कभी भी एक ही पर्सन के डायरेक्शन में अगर आप चलोगे तो ही आपको प्रॉपरली रिजल्ट मिलेगा। अगर आप अलग अलग लोगों के डायरेक्शन को यूज करोगे या मानोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इसीलिए बोला जाता है। स्टूडेंट्स, आ जाते हैं अब हम सिक्स पॉइंट पे, हेनरी फेयोल के, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। सबॉर्डिनेशन, सबॉर्डिनेट, सब जानते हैं, हर एक बिजनेस या कंपनी फॉर्म में जो एम्प्लॉइज काम करते हैं उनको सबॉर्डिनेट बोला जाता है। काम कहाँ करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस फॉर्म में, और जो भी हमारे मैनेजर या बॉस होते हैं उन्हें सुपीरियर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हेनरी फेयोल ने ये समझाया कि सबॉर्डिनेट या इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट होता है वो सेकेंड नंबर पे होता है, कभी भी फर्स्ट नंबर पे ऑर्गेनाइजेशनल के इंटरेस्ट को हमें रखना चाहिए। ठीक है, अब इससे कुछ लोग बोलेंगे कि अरे ऐसे थोड़ी होता है, हम भी एम्प्लॉई है, अगर हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे, कंपनी हमारे बारे में नहीं सोचेगी तो कैसे चलेगा। स्टूडेंट्स, कंपनी हमारे बारे में सोचेगी, लेकिन उसके पहले हमें कंपनी के बारे में सोचना पड़ेगा। यहाँ पे यही बताया गया है कि आप अपने इंटरेस्ट को सेकेंड प्रेफरेंस देके पहला प्रेफरेंस आप जहां पे भी, अदर यू आर एम्प्लॉई और मैनेजर और कोई भी पोस्ट पे हो, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को फर्स्ट रखना पड़ेगा। ऐसे रखने से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका प्रोडक्शन, उसकी प्रोडक्टिविटी प्रॉपरली चलती है। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन में 500 एम्प्लॉई काम करते, अगर 500 एम्प्लॉई का इंटरेस्ट अगर उस ऑर्गेनाइजेशन का है देखने के लिए बैठ जाएगा तो उसका प्रोडक्शन कम होगा। इसीलिए कहा जाता है ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को आपको पहले देखना है। सबॉर्डिनेशन, आपका जो इंटरेस्ट है वो भी होगा, बट वो ऑर्गेनाइजेशन के काम को या इंटरेस्ट को पूरा करने के बाद होगा। इसीलिए हेनरी फेयोल ने बोला सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। सपोज अगर आप एक मैनेजर हो तो आपके अंडर में अगर 25 एम्प्लॉइज हैं, तो आपको ये नहीं देखते चलना है कि मेरे एक एम्प्लॉइज को ये प्रॉब्लम है या एक एम्प्लॉइज को ये प्रॉब्लम है। आपको जो भी डिसीजन लेना है फेयर डिसीजन लेना है, ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हो ये डिसीजन लेना है आपको। स्टूडेंट्स, आ जाते हैं हम लोग सेवेंथ पॉइंट पे, हेनरी फेयोल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, सेवेंथ पॉइंट, सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, दो बात होती है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, पावर्स एंड अथॉरिटीज। अब आपका ऑर्गेनाइजेशन जैसा है, अगर सपोज आपका ऑर्गेनाइजेशन छोटा है तो सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट होगा। सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी पावर्स एंड अथॉरिटीज है वो किसी एक पर्सन या किसी दो से तीन पर्सन के हाथ में होगा। माने जो भी मैनेजमेंट या जो भी डिसीजन लेना है वो एक या दो पर्सन लेगा। अगर आपका स्मॉल फर्म है, अगर आपका लार्ज फर्म है, तो आप सेंट्रलाइजेशन नहीं डिसेंट्रलाइजेशन फॉलो करते हो। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, अथॉरिटीज एंड पावर्स कोई एक पर्सन जल्दी हैंडल नहीं कर पाता है, इसीलिए अलग अलग जगह पे अथॉरिटी दी जाती है, पावर्स दिया जाता है कि उस ब्रांच में या फिर वहां के एम्प्लॉइज को वो पर्सन हैंडल करे। तो हेनरी फेयोल ने यही बताया कि हमेशा सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों के बीच में एक प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए। सपोज
सेंट्रलाइजेशन आप छोटे फॉर्म में किसी एक पर्सन को अगर आप हेड बनाते हो तो चल जाएगा, बट अगर आपका लार्ज फॉर्म है, बड़ा फॉर्म है, तो किसी एक पर्सन को आप पावर्स या अथॉरिटी देने से वो उसका मिसयूज भी कर सकता है इसीलिए, और मेन भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो न संभाल पाए इसीलिए डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है। स्टूडेंट्स आ जाते हैं अब हम प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के 8 पॉइंट पे। रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन देखिए स्टूडेंट्स, हर पर्सन इस अर्थ पे जो भी कोई काम कर रहा है उसको मालूम है कि मैं काम करूंगा तो मुझे इनकम मिलेगा, इनकम मीन्स मनी मिलेगा। मनी इसलिए जरूरत है अपनी पर्सनल चीजों के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, हर एक चीज के लिए। हमने पैसे को इतना इंपॉर्टेंस दे दिया कि विदाउट मनी वी कैन नॉट लिव प्रॉपरली, इसीलिए हेनरी फेवर ने अपने 8 पॉइंट में बताया रेमुनरेशन। रेमुनरेशन को आप सैलरी बोल सकते हैं, इंसेंटिव्स बोल सकते हैं। हेनरी फेवर ने यह बोला कि जो भी पर्सन या जो भी एम्प्लॉई सबऑर्डिनेट जहां पे भी काम करते हैं उनका रेमुनरेशन फेयर होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, उनके हिसाब से होना चाहिए। अब उनका हिसाब मतलब उनकी क्वालिटी, उनका नॉलेज, उनका एक्सपर्टाइज, उनके एफर्ट्स, उनके स्टैंडर्ड, उनके पोस्ट को देख के अगर आप टाइम टू टाइम उन्हें रेमुनरेट करते हो तो वो एम्प्लॉय हमेशा क्या रहता है, सेटिस्फाई रहता है। और जब एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा तो वो प्रॉपरली आपके बिजनेस फॉर्म के लिए काम करेगा। जब आप सेटिस्फाई रहोगे तो ही आप अपनी फैमिली को सेटिस्फाई कर पाओगे, वैसे ही जब एम्प्लॉय सेटिस्फाई होगा तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को सेटिस्फाई करेगा। इसलिए हेनरी फेवर ने बोला कि रेमुनरेशन शुड बी ऑन टाइम एंड प्रॉपर रेमुनरेशन, जो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है और अच्छे से काम करने के लिए, और एम्प्लॉयज का अच्छा काम ही उसके ऑर्गेनाइजेशन के स्टैंडर्ड को बढ़ाता है। स्टूडेंट्स आ जाते हैं अब हम 9th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हेनरी फेवर के, स्केलर चेन। स्केलर चेन स्टूडेंट्स इसको हम गैन प्लैंक भी करके बोल सकते हैं। स्केलर चेन एक ऐसा प्रोसेस है जो ट्रेडिशनली भी बिजनेस में होता था, अभी भी होता है, बट स्केलर चेन के कुछ एडवांटेज भी हैं अगर मेरे डिसएडवांटेज हो तो। स्केलर चेन अब क्या बताता है या गैन प्लान आपको क्या समझाता है स्टेप बाय स्टेप। स्केलर चेन का मतलब होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस, एक ऐसा कम्युनिकेशन प्रोसेस जो टॉप लेवल से मिडिल लेवल से लोअर लेवल पे होता है या फिर लोअर लेवल से मिडिल लेवल से टॉप लेवल पे होता है। इस कम्युनिकेशन प्रोसेस को बोलते हैं गैन प्लान या स्केलर चेन। कभी भी जैसे टॉप लेवल पे कोई हाई रैंकिंग पर्सन है, सुपीरियर पर्सन, बॉस, उसके बाद जनरल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, फोरमैन, सुपरवाइजर, तब जाके आपकी बात। अगर किसी एम्प्लॉयज को ये बात करनी है तो वो पहले फोरमैन या सुपरवाइजर को बताएगा, वो मैनेजर को बताएगा, फिर मैनेजर जनरल मैनेजर के पास जाएगा, फिर उसकी बात बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ओनर के पास जाएगी। वैसे ही अगर कोई ओनर को या फिर कोई मैनेजिंग डायरेक्टर को अगर कोई मैसेज देना है एम्प्लॉय को तो वो कैसे दे पाएगा, वो डायरेक्टली नहीं दे पाएगा, तो उसके लिए उसको पहले जनरल मैनेजर के पास जाना पड़ेगा। जनरल मैनेजर फिर वो इंफॉर्मेशन मैनेजर को देगा, फिर उसके बाद वो इंचार्ज को देगा। तो ये क्या है, ट्रेडिशनली जो चले आ रहा प्रोसेस है स्केलर चेन, इसी में हेनरी फेवर ने थोड़ा सा चेंज किया। हेनरी फेवर का मतलब है कि आप स्केलर चेन को फॉलो करो बट इमरजेंसी के टाइम या फिर कभी कभी ऐसे भी सिचुएशन आते हैं कि आपको स्पीडी डिसीजन लेना होता है, क्विक डिसीजन लेना होता है। तो जैसे कि आप देखोगे कुछ गवर्नमेंट फॉर्म्स हैं या कुछ ऐसी चीजें गवर्नमेंट के, कोई कोई प्राइवेट स्पेस भी होते हैं कि इंसान मर रहा है लेकिन फिर भी आपको नहीं हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, आप उनसे ऑर्डर लेके आइए। वो बोलते हैं हम तो ये साइन करके दे देंगे, आप हमारे ऊपर से ऑर्डर लेके आइए। तो इसमें क्या होता है, इमरजेंसी के टाइम में स्केलर चेन काम में नहीं आता, जहां पे आपको डायरेक्ट कम्युनिकेशन की जरूरत पड़ती है तो ही आपको रिजल्ट मिल पाएगा या तो ही जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो पाएंगे। इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट के लिए यहाँ पे डी को अगर कुछ कम्युनिकेट करना है और वो इमरजेंसी प्रॉब्लम है
या कोई भी इमरजेंसी चीज है तो उसे डायरेक्टली जी से कनेक्ट कर देना है या फिर डायरेक्टली वो अपना कम्युनिकेशन कर सकता है। इसके लिए आप एक फ्लो में ही जाओ और तब तक वो चीज या वो लॉस हो जाए ये चीज नहीं करनी चाहिए। यही स्कैटर चेन में समझाया है हेनरी फेयोन ने, ठीक है। इसको हम लोग गैंग प्लान भी बोलते हैं। आ जाते हैं अब हम 10th पॉइंट में, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर मींस प्रॉपरली ऑर्डर में हर एक चीज को रखना, प्रॉपर मैनेजमेंट करना, चाहे वो मैन हो, मटेरियल हो या कोई भी रिसोर्स हो। कोई भी बिजनेस फर्म या कोई भी कंपनी अगर प्रॉपर ऑर्डर में मैन, मटेरियल, मनी, रिसोर्सेस को यूज नहीं करते तो क्या होता है, वेस्टेज ज्यादा होता है। वेस्टेज ज्यादा होने का मतलब क्या होता है, लॉस ज्यादा होता है। इसलिए हेनरी फेयोन ने अपने 10th प्रिंसिपल पे फोकस किया है कि प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, हर एक चीज को ऑर्डर में रखना बहुत जरूरी होता है। आपने कोई कंपनी या बिजनेस फॉर्म में विजिट किया होगा, आपने देखा होगा वहां पे ऑफिस, ऑफिस में टेबल, चेयर, जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है वहां पे मशीन्स, एम्प्लॉइज का रहना, कैंटीन, ठीक है। या फिर छोड़िए, आप किसी स्कूल, कॉलेज या क्लासेस वगैरह में भी आप देखोगे स्टूडेंट्स, कभी भी आप एक क्लासरूम में देखते हो कई सारे बेंच रखे रहते हैं और एक बेंच पे 2 से 4 स्टूडेंट बैठते हैं। अगर आप देखोगे तो अगर वो प्रॉपरली सिस्टमेटिक 1 by 1 एक के बाद एक अगर बेंच प्रॉपरली ना रखा हो, उन्हें zigzag तरीके से रखा गया हो, तो जितने स्टूडेंट्स को आने में तकलीफ होगा, बैठने में तकलीफ होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोर्ड नहीं लिख पाएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम सुनाई प्रॉपरली नहीं देगा। इसका मतलब क्या है, आपने अपने क्लासरूम को प्रॉपरली ऑर्डर में नहीं रखा है। इसलिए आप लोग देखोगे क्लासरूम हो या आप कोई भी चीज का एग्जांपल ले सकते हो, मैं यहाँ पे क्लास का एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप देखोगे तो बेंचेस वगैरह जो है एक ही लेवल पे आप ये नहीं देखोगे कि एक बेंच बहुत बड़ा है तो दूसरा बेंच बहुत छोटा है, नहीं, एक ही लेवल पे बेंच रखे होते हैं और 1 by 1 साइमल्टेनियसली एक के पीछे एक रखे रहते हैं। इससे क्या होता है, बीच में एक कॉरिडोर बना रहता है, स्टूडेंट को आना है, जाना है, बैठना है, टीचर्स का बोर्ड पे कोई लिखी हुई चीज टीचर्स को सुनना है, ये सब काम एकदम प्रॉपरली होते हैं। वैसे ही हमें अपने बिजनेस में भी एक प्रॉपर ऑर्डर रखना चाहिए जिसमें हमें अपने मैन, मतलब जो भी हमारे मैन पावर है, जो भी हमारे मटेरियल्स हैं, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में हम यूज कर सकें। स्टूडेंट्स, आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में, 11th, जिसका प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी मींस इक्वालिटी। आप देखोगे इक्विटी का मतलब होता है इक्वालिटी। बात करें तो हमारे यहाँ पे जैसे डेमोक्रेसी ये बोला जाता है कि हर एक रिलीजन इक्वल है, हर एक पर्सन इक्वल है, वैसे ही हेनरी फेयोन ने इस बात को नोटिस किया कि आप जिस भी फर्म में हो या फिर आपका जो भी ओनर या मैनेजर है, उन्हें इस प्रिंसिपल को फॉलो करने आना चाहिए। उनके नजर में हर कोई इक्वल होना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस, अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस। इक्विटी, अगर आप इक्विटी नहीं रखते हो, जैसे रेम्यूनरेशन देने में आपने इक्विटी नहीं रखा, किसी को प्रमोशन देने में आपने इक्विटी नहीं रखा, तो उससे क्या होता है कंपनी में या फॉर्म में क्या होता है, नेगेटिविटी फैल जाती है। नेगेटिविटी के मतलब होता क्या है, इससे एम्प्लॉइज जो है वो नेगेटिव हो जाते हैं कि अरे देखो मैंने ये काम किया तो मुझे इक्वली ना रखते हुए ये इनके दूर के रिश्तेदार हैं तो इनको इन्होंने पहले प्रेफरेंस दे दिया, ये इनके घर के हैं तो इनको इन्होंने प्रेफरेंस दिया, लेकिन मैंने इतना काम किया तो मुझे इन्होंने प्रेफरेंस नहीं दिया। तो इससे क्या होता है, एक अच्छा टैलेंटेड काम करने वाला पर्सन भी नेगेटिव हो जाता है। इसीलिए हेनरी फेयोन ने अपने प्रिंसिपल में क्या लिखा है, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। चाहे आपको रेमुनरेशन देना हो, चाहे आपको प्रमोशन देना हो, चाहे कोई भी चीज हो, अकॉर्डिंग टू देयर एम्प्लॉइज, उनके काम के हिसाब से आप उनको इक्वली ट्रीट करो। ऐसा नहीं कि कुछ लोगों को आप बहुत ज्यादा प्रपोर्शनेट या ध्यान दे रहे हो और कुछ लोगों पे आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो,
ऐसा नहीं होना चाहिए, इससे नेगेटिविटी बढ़ती है और रिजल्ट नहीं आता ऑर्गेनाइजेशन का। तो इसलिए हमें प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी फॉलो करना चाहिए। स्टूडेंट आ जाते हैं हम लोग दूसरे पॉइंट पे, 12th पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। टेन्योर मीन्स ड्यूरेशन। टेन्योर का मतलब क्या होता है? ड्यूरेशन, अवधि। ऐसा बोला जाता है कि स्टेबिलिटी मीन्स स्टेबल। हर पर्सन जहां पे भी वो काम करता है, उस पर्सन को ऐसा एक महसूस होता है कि मैं यहाँ पे काम किया, मैं इतने इयर्स से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो एक ड्यूरेशन मैं बिता चुका हूँ यहाँ पे, तो मेरे साथ ऐसा होगा, मेरे साथ अच्छा होगा, ठीक है। तो वो और अच्छे से काम करता है, वो अपना समझ के काम करता है और मेहनत ज्यादा करना चाहता है, पैसे का ज्यादा डिमांड नहीं करना चाहता है। लेकिन अगर आप स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर नहीं देते हो, हमेशा उसके काम पे या उसकी छोटी सी गलती पे अगर आपके साथ या किसी के साथ आप जाओ तो भी जॉब से निकाला जाता है, या तुम्हें आगे कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, या हमारा एक या दो साल का ही कॉन्ट्रैक्ट है उसके बाद सोचेंगे। जब कोई मैनेजर या ओनर ऐसे बोलता है तो वो पर्सन या फिर वो एम्प्लॉय क्या करता है, अपना समझ के काम नहीं करता है। उसे ऐसा लगता है कि अरे यार मैं भी छोटी सी, उस पर्सन ने छोटी सी गलती क्या कर दी, उसे जॉब से निकाल दिया, कल को मुझसे भी छोटी सी गलती होगी तो वैसे भी तो मुझे जॉब से निकालने ही वाले, तो मैं इतना मेहनत क्यों करूं, ठीक है। तो उसे अपनापन जो एक फीलिंग होनी चाहिए वो नहीं होती है। इसलिए हेनरी फेयर ने क्या बोला कि जो भी आपके एम्प्लॉयज हैं उन्हें आप एक स्टेबिलिटी, एक स्थिरता उनके दिमाग में डाल दो कि आप स्टेबल हो, आप यहीं पे रहोगे, आप अच्छा काम करोगे तो आपको हम नहीं हटाएंगे, और आपकी छोटी मोटी गलती, और हर जगह पे आप देखोगे जहां पे 10 20 50 लोग रहते हैं इधर उधर छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं, तो उसकी वजह से आप एक बड़ा डिसीजन उसे पूरे जॉब से ही हटा देना, ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो जब ड्यूरेशन उसने बिताया है, आप उसको स्टेबल करोगे तो वो अपना समझ के काम करेगा, और जब वो अपना समझ के काम करेगा तो वो रिजल्ट ज्यादा ओरिएंट करके देगा, आपको बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज को समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टूडेंट्स आ जाते हैं अब हम सेकंड लास्ट पॉइंट 13th पॉइंट पे, इनिशिएटिव, प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। हेनरी फेयोल ने प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव पे भी एक फोकस दिया है। इनिशिएटिव मींस व्हाट? When you decide something new, कुछ new ideas आप decide करते हो, कुछ new ideas या कुछ new action करते हो, उसको initiative बोला जाता है। Henry Fayol ने बोला कि हर employee के अंदर एक talent होता है। एक अच्छा manager, एक अच्छा owner क्या करता है? उस talent को ढूंढ के निकालता है और उसके साथ साथ employees के साथ साथ अपने organization को भी आगे बढ़ाता है। Henry Fayol ने कहा कभी कभी क्या होता है, कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन में आपके पास टैलेंटेड एम्प्लॉयज तो रहते हैं, आप उन्हें फ्रीडम नहीं देते सोचने का, आप उन्हें फ्रीडम नहीं देते उनके आइडियाज को शेयर करने का। इसीलिए क्या होता है, उनके आइडियाज उनके दिमाग में ही रह जाते और एक अच्छा आइडियाज या एक अच्छे प्लान से जो शायद ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा हो सकता था तो वो नहीं हो पाता। इसलिए हेनरी फेयोल ने बोला प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव आपको अपने बिजनेस या कंपनी फॉर्म में लागू करने चाहिए, अप्लाई करने चाहिए। एम्प्लॉयज को एकदम फ्री छोड़ दो। फ्री छोड़ने का मतलब क्या होता है कि उन्हें अपने काम को अच्छे से करने आता है। जैसे हम सब लोग क्रिकेट देखते हैं, सिंपल सा एग्जांपल, सब लोग क्रिकेट देखते हैं, जब कोई आउट हो जाता है, कोई कैच छोड़ देता है तो हम उसे काफी बैड वर्ड्स देते हैं, काफी भला बुरा बोलते हैं, ठीक है, कि अरे इसने ऐसे कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन उसी टाइम पे अगर आपको भेज दिया जाए कि भाई जाओ आप ज्यादा बोल रहे हो, आप ये काम करके दिखा दो, तो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो क्या होता है, कुछ लोग खाली प्लानिंग बनाते हैं और कुछ लोग प्रॉपरली प्लान के साथ उसको एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन अगर आप फ्रीडम दोगे तो आइडियाज निकल के आएंगे एम्प्लॉयज के, तो वो अच्छे अच्छे प्लान बना सकते हैं। तो हेनरी फेयोल ने समझाया कि आप एम्प्लॉयज को एकदम बांध के मत रखिए, मतलब एक रहता है ना कि आपने जैसे उनको सर्वेंट बना दिया, नहीं तुम कुछ नहीं बोलोगे, जो मैं बोलूंगा वही होगा, नहीं यही प्लान चलेगा। कभी कभी क्या रहता है, कुछ प्लान्स एम्प्लॉयज भी ऐसे दे देते हैं
या वर्कर्स भी ऐसे प्लान दे देते जिससे ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्टकट में काफी ज्यादा फायदा हो जाता है। तो हर एम्प्लॉयज को एटलीस्ट इतना फ्रीडम दो कि वो अपनी बातों को आपके सामने रख सके और एक अच्छे थिंकिंग से वो आगे बढ़ सके। जैसे माइकल डेल, आपने नाम सुना होगा डेल कंप्यूटर्स का, वहां पे जो एम्प्लॉयज एक अच्छा आइडियाज दे, वहां पे हर एक एम्प्लॉयज को फ्रीडम दिया गया है कि आपके मन में जब भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ भी प्लान या कुछ भी आइडियाज आते हैं तो आप आके हमसे शेयर करो, हमको बताओ। अगर हमको आपके आइडियाज से इनकम होता है या हम कमाते हैं तो हम आपको भी उसमें परसेंटेज देंगे, शेयरिंग देंगे। तो इससे क्या होता है, एम्प्लॉयज का बोलते हैं ना आप मोटिवेशन, उन्हें मोटिवेशन मिलता है, उन्हें ऐसा लगता है कि ये मेरे जॉब के साथ साथ ये एक अपॉर्चुनिटी है, जो अगर मैं इसको अपॉर्चुनिटी को ले लूं तो मुझे काफी फायदा होगा। ठीक है, आ जाते हैं स्टूडेंट अब हम लास्ट पॉइंट पे। 14 प्रिंसिपल्स का ये 14 पॉइंट है जो हेनरी फेयोल ने अपने जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन वाले बुक में लिखा था, जिसको हम लोग थियरी ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। और हेनरी फेयोल आप सब जानते हैं फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट। अब ये लास्ट पॉइंट क्या है, स्पिरिटी कॉप्स, इसे कहा जाता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। यूनिटी इज स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मीन्स ताकत या पावर, फ्रेंच वर्ड है स्पिरिटी कॉप्स। स्टूडेंट हम सब जानते हैं पुरानी छोटी सी कहानी, बहुत पुरानी आपने भी सुनी होगी। एक फादर रहते हैं, उसके तीन बेटे रहते हैं, वो पहले एक एक लकड़ी देता है तो सब जन आसानी से तोड़ देते हैं, जब वो सबको तीन तीन चार चार लकड़ी देता है तो कोई नहीं तोड़ पाता है, काफी मेहनत लगती है। तो फादर उन्हें यूनिटी एकता का बल सिखाता है कि देखो अगर तुम अलग अलग रहोगे तो तुम्हें कभी भी कोई नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन अगर तुम सब मिलके रहोगे तो तुम्हें नुकसान पहुंचा जल्दी कोई नहीं पाएगा। वही चीज हेनरी फेयोल ने समझाई है, स्पिरिटी कॉप्स यूनिटी स्ट्रेंथ, कि एक फर्म, एक बिजनेस फर्म हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, कंपनी हो या फिर एक घर हो, कोई भी चीज हो, वो यूनिटी एकता से ही चलता है। अगर आप ये सोचो कि हम अपना अपना देख लेंगे तो अपना अपना देखने में आप एक बिजनेस नहीं चला पाओगे, आप एक कंपनी नहीं चला पाओगे। आपको अगर अपना बिजनेस या कंपनी चलाना है तो आपको मिलके काम करने आना चाहिए, आपको यूनिटी में काम करने आना चाहिए। स्टूडेंट एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, क्रिकेट टीम की ही बात ले लो आप। क्रिकेट टीम में क्या होता है, अगर विराट कोहली ये सोचे कि नहीं मैं इंडिया का कैप्टन हूं, मुझे और किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही इंडिया टीम को जिता सकता हूं, तो वही बैटिंग भी करे, वही नॉन स्ट्राइकर एंड में भी भाग के रन ले ले, वही बॉलिंग भी करेगा, वही कीपिंग भी करेगा और वही फील्डिंग भी करेगा, तो ऐसा तो वो कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी फर्म को या बिजनेस को या टीम को अगर आगे बढ़ना है तो उसे टीम स्पिरिट की जरूरत होती है, और टीम स्पिरिट या टीम वो कब आएगा, जब आप यूनिटी में रहोगे। इसका मतलब यूनिटी एकता में काफी बल होता है। यही हेनरी फेयोल के 14th प्रिंसिपल का, 14th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का रूल था। स्टूडेंट्स होप यू अंडरस्टैंड, जो भी मैंने समझाने की आपको कोशिश की है होगी, आप सबको मालूम है हेनरी फेयोल एक एडमिनिस्ट्रेटिव थियरी ऑफ मैनेजमेंट जिन्होंने बनाया। इन्होंने अपना करियर एज ए फ्रेंच माइनिंग मैनेजर के हिसाब से शुरू किया था। इन्होंने एक बुक लिखी थी जर्नल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें से ये 14 पॉइंट लिखे थे। और आपका कैसा भी बिजनेस, कैसी भी कंपनी हो, आपको ये 14 पॉइंट्स फॉलो करने होते हैं अगर आपको अपने बिजनेस या फर्म को आगे बढ़ाना है। तो इसीलिए हेनरी फेयोल को फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है। होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स एक एक चीज जो है मैनेजमेंट के हिसाब से काफी पावरफुल चीज है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको एक एक चीज अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।